तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। अगर नहीं बढ़िया है तो ये न्यूज़ सुन के तो ऑब्वियसली बढ़िया हो जाने वाले हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि पबजी हो सकता है 15 नवंबर को लॉन्च हो जाए, एंड अभी कंफर्मेशन भी आ गया है कि पबजी लॉन्च होगा। एंड ये ऑफिशियल न्यूज़ है पबजी की तरफ से कि ये पबजी मोबाइल इंडिया के नाम से एप्लीकेशन निकालना है। पबजी मोबाइल के नाम से नहीं निकालना है, पबजी मोबाइल इंडिया। तो ये जो इंडिया वर्ल्ड है, ये स्पेसिफिकली फॉर इंडिया ही बनेगा ये गेम, एंड इसी के अकॉर्डिंग ये गेम काम भी करने वाला है। तो काफी ज्यादा तगड़ी खबर है यार। और दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको अपडेट में काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि स्किन वगैरह अपडेट हो जाने वाली है, एंड उसके बाद इसमें आपको जो क्लोथ वगैरह है वो भी सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी। एंड जब आप लोग किसी बंदे को हिट करते हो तो उसमें रेड इफेक्ट आता है, वो रेड इफेक्ट नहीं होने वाला है, वहां पे अब ग्रीन इफेक्ट होने वाला है। थोड़ा रेड जो है वो वार्निंग का साइन है, तो ये यार जो क्राफ्टन कंपनी है वो हटा रही है कि कोई भी ऐसी चीजें ना हो जिससे जो इंडिया की आईटी इंडस्ट्री है वो इन पे क्वेश्चन कर दे कि यार तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम वो क्यों कर रहे हो। तो क्राफ्टन कंपनी इंडिया के आईटी इंडस्ट्री को कोई भी मौका नहीं देना चाह रही है। एंड दोस्तों, मैं क्राफ्टन कंपनी की दाद देना, मतलब कि सलामी देना चाहूंगा, जो सल्यूट होता है कि यार मतलब कोई भी चीजें नहीं छोड़ी, साम दाम दंड भेद ही कहते हैं ना, उसे नहीं छोड़ा यार। कि इंडिया में इनको लाना ही था तो यार ये लेके आए, एंड ऐसा एकदम पॉसिबल नहीं था क्योंकि जो टेंसेंट के सर्वर थे वो सारे हटा लिए गए थे। एंड इसमें एक और बात है कि आपको जो कंटेंट वगैरह होगा वो काफी इंप्रूव्ड मिलेगा, थोड़ा बहुत आपको इंडिया का फील आने वाला है, थोड़ा मजा आने वाला है कि आपको थोड़ा सा खेत खलियान दिख जाने वाले हैं। मैं थोड़ा सा ज्यादा नेटिव लैंग्वेज में जा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको खेत वगैरह दिख जाने वाले हैं एंड मजा आने वाला है। एंड काफी इंप्रूवमेंट भी दोस्तों कर रहे हैं, जैसे कि जो यंग प्लेयर्स होते हैं जिनकी उम्र 18 से कम होती है या फिर 15 से कम होती है, इनके लिए स्पेशली उसमें वार्निंग आएगी। अगर बच्चा ज्यादा देर तक गेम खेलता है उसका गेम वार्निंग करेगा, एंड जो गेम है वो खुद रिस्ट्रिक्ट करेगा यंग प्लेयर्स को कि वो ज्यादा ना खेलें। दोस्तों, ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। पहले क्या होता था कि अगर आप ज्यादा देर तक पबजी खेलते तो बस वो वार्निंग देता था एंड आप वार्निंग को इग्नोर कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या है कि ये गेम में रिस्ट्रिक्ट करेगा कि आप गेम खेल ही नहीं सकते हो। उसके बाद इसमें आपको वर्चुअल ट्रेनिंग ग्राउंड, मतलब कि बकायदे आप गन वगैरह लेके वर्चुअली घुस सकते हो और ट्रेनिंग आपको उसमें मिलने वाली है। तो ये वर्चुअल सिमुलेशन ट्रेनिंग ग्राउंड के नाम से ये चीजें हैं। उसके बाद मैं बात करूं, पबजी ने कोलैब किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, एंड माइक्रोसॉफ्ट अजूरे के जो सर्वर हैं उनको यूज करने वाला है डेटा स्टोर करने के लिए, जितने भी डेटा है पबजी पे। एंड जो सारे डेटा होने वाले हैं वो इंडिया में ही होने वाले हैं, रेगुलर उनकी ऑडिट होने वाली है एंड रेगुलर उस पर नजर भी रखी जा रही है कि डेटा वो बाहर जा रहा है कि नहीं, ऐसा पबजी कॉरपोरेशन ने भी बोला है। एंड आईटी इंडस्ट्री को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत ज्यादा यार मतलब मेहनत कर रही है। उसके बाद मैं बात करूं कि यार तो 100 करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी करा है, मतलब 746 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर गेमिंग कम्युनिटी इंडिया में देखी जाए तो इसके हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट है यार। उसी के साथ कोलैबोरेशन वगैरह के लिए भी ओपन कर लिया है, एंड लोकल बिजनेस के साथ कोलैब करके गेम को प्रमोट भी किया जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। एंड जो कैंपेन वगैरह है वो पहले होते थे गेमिंग कैंपेन, लेकिन अब और बड़े लेवल पे होंगे एंड ये बस इंडिया में होंगे। हो सकता है कि बाहर से भी गेमर को बुलाया जाए, बाहर से भी जो गेमर्स हैं उनको भी बुलाया जाए एंड साथ में ऐसा गेमिंग कैंपेन वगैरह किया जाए। उसके साथ ये अपने एक लोकल ऑफिस भी बना रहे हैं जो क्राफ्टन कंपनी है, और वो 100 एम्प्लॉय को रखेंगे ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है गेम खेलते वक्त तो आप सीधे उन लोग से बात कर सकते हो, प्रॉब्लम वगैरह अपनी बता सकते हो, ट्रबल शूटिंग जो भी हो रही है क्वेरी वगैरह के लिए। अभी तक जो लोग गेम खेलते थे यार वो लोग बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया था। तो दोस्तों, हो सकता है दिवाली में हम लोग पटाखे वटाखे ना फोड़े, सीधे बंदूक से फायर करें। काफी ज्यादा तगड़ी न्यूज थी और आप लोग को अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो यार इसी बात पे आप लाइक बटन हिट कर देना क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिलता है। घंटी का बटन दबाओगे तो आपके पास नया वीडियो पहुंच जाएगा, मेरा नया वीडियो पहुंच जाएगा उसकी नोटिफिकेशन। एंड उसके बाद इसको शेयर कर देना यार, अपने दोस्तों को बता दो कि पबजी आने वाला है एंड वो अपने गन वगैरह लेके स्टार्ट हो जाए ताकि दिवाली तगड़ी बीते। एंड यार उसके बाद इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर की लिंक आपको मिल जाने वाली डिस्क्रिप्शन में। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा।